Welcome to our channel. Today we will learn about refraction through a lens. In which one we will learn about a part, and part A is lens and refraction of light through a lens for 10th standard ICSE. So start. In this topic basically we have to study about lenses. Or lens kya hota hai? Lens it is the part of optics in physics. Optics kya hai? Optics is the branch of physics in which we study about the phenomenon of light. Or simply, optics is the branch of physics in which we study about light. So in this one we have to learn about lenses. So what are the lenses? Just we will see. Hame pata hai lens jo hai, lenses are of two types, basically two types. Aur bhi types ho sakte, but basically two types. One is convex lens, another is concave. Kaise bante hain? To lenses are the part of spherical mirrors, right? मतलब दो मिरर्स को अगर हम लोग एक साथ ज्वाइन कर दें और सॉलिड पार्ट होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज लेंस. एज वी कैन सी इन दिस वन, व्हाट इज द लेंस? इन फैक्ट अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय आइदर टू स्फेरिकल सरफेसेस और वन सरफेस स्फेरिकल एंड अदर सरफेस प्लेन. सो वी विल सी, मैंने यहां पे दो स्फेरिकल सरफेसेस लिए हैं. एक सरफेस ये है स्फेरिकल सरफेस एंड अनदर स्फेरिकल सरफेस इज दिस. इफ वी आर टेकिंग दिस बाउंडेड पार्ट बाय दीज टू स्फेरिकल सरफेसेस, ये बाउंडेड पार्ट इन बिटवीन दीज टू, तो ये क्या बनाएगा? दिस काइंड ऑफ लेंस, दिस लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना? वापस से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, दो स्फेरिकल सरफेसेस का पार्ट है, नॉट मिरर. बिकॉज अगर हम मिरर की बात करेंगे तो हॉलो होगा, बट ये सॉलिड है. ओके, सो अगेन अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय आइदर टू spherical surfaces or one surface spherical and another surface plane. ये दोनों, these two are the centers. इन centers के हम लोग नाम दे दें, this is center C1, this is center C2. और जो ये part बना है, this part I will say, ये entirely क्या है हमारा? This is the convex lens. It is a convex lens. Convex lens. So I can say, अगर हम ये सरफेस देखेंगे तो इस सरफेस का सेंटर C1 है, एंड अबाउट दिस स्फीयर दैट सेंटर इज C2. सो C1 एंड C2 आर द सेंटर्स ऑफ टू स्फीयर्स. इफ आई विल ज्वाइन दीज सेंटर्स, टू सेंटर्स, द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर्स इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. सम टर्म्स आर देयर, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. तो लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ सेंटर्स ऑफ द टू स्फेरिकल मिरर्स, टू स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ लेंस, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. सो दैट पार्ट इज रिगार्डिंग द प्रिंसिपल एक्सिस. सो ये लाइन हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये जो सेंटर पार्ट होता है, एनीवे वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द टर्म्स लेटर ऑन. अच्छा, ये जो लेंस है इसके दो सरफेसेस आर कॉन्वेक्स. दिस इज द लेंस विच इज द कॉन्वेक्स लेंस. इट हैव टू सरफेसेस एज कॉन्वेक्स, वन इज दिस सरफेस एंड अदर इज दिस सरफेस. सो इट इज टू सरफेसेस मीन्स बाय वॉट? कॉन्वेक्स. सो इट इज बाय कॉन्वेक्स लेंस. And if one surface is convex, another is plane, then it is plano-convex. This is the plano-convex lens.
एंड वन सरफेस इज कॉन्वेक्स, अनदर इज कॉनकेव, सो इट इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स। सो तीन टाइप के हमने यहां देखे, बाई कॉन्वेक्स, प्लैनो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ओके, सो बेसिकली ये पार्ट मुझे ये बताना था कि यहां से लेंस का फॉर्मेशन हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अभी सेकेंड पार्ट है कि अगर हम लोग दो स्फेरिकल सर्फेसेस लेते हैं, एक ये और दूसरा ये, और दोनों के बीच में, दोनों को हमने ऐसे रखा एंड सपोज एनी मटेरियल लाइक ग्लास को हमने यहाँ पे फुलफिल किया, तो विच काइंड ऑफ लेंस हैज बीन फॉर्म ओवर हियर, इट इज बाई कॉनकेव। बिकॉज व्हाई वी कॉल इट बाई कॉनकेव, बाई मीन्स टू एंड कॉनकेव मीन्स कॉनकेव सर्फेस इज, वन सर्फेस इज दिस अनदर सर्फेस इज दिस, सो इट इज बाई कॉनकेव लेंस। ओके, सो इट इज द बाई कॉनकेव लेंस, वन साइड इज प्लेन अनदर इज कॉनकेव, सो इट इज प्लैनो कॉनकेव, वन साइड इज कॉनवेक्स अनदर इज, वन साइड इज कॉनवेक्स अनदर इज कॉनकेव, सो इट इज कॉनवेक्सो कॉनकेव। सो दीज ऑल आर द टाइप ऑफ लेंसेस, काइंड्स ऑफ लेंसेस। नेक्स्ट पार्ट, एक्शन ऑफ लेंस एज अ सेट ऑफ प्रिज्म। लेंस इज नथिंग बट इट इज द प्रिज्म, इट इज मेड अप बाय स्मॉल स्मॉल प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब्स। लेंसेज आर मेड अप बाय स्मॉल स्मॉल प्रिज्म्स और स्मॉल प्रिज्म एंड रेक्टेंगुलर ब्लॉक दैट वी कैन सी। दिस इज प्रिज्म, दीज टू आर द प्रिज्म and these are the rectangular blocks, we can say rectangular blocks. Here also it is the convex lens, concave lens it is, it is again kiska bana hai, this is made up by rectangular blocks, we can say small part of the rectangular blocks. Convex lens this way, convex lens again, what, two prisms and one rectangular block, and here all are the rectangular blocks, not exactly rectangular, trapezium shape and rectangular block. Okay, the lens being made up of a set of prisms and a lens being made up of rectangular slab at the centers, rectangular slabs at the centers, okay, and one prism on either side of it, one prism on either side of it, this and this, one prism is on either side of it and this are made up by the rectangular blocks. So conditions are there. Next part is convergent action and convex lens. So we know one more thing, convex lens is also called as converging lens. What do you mean by converging lens? If parallel beams are going to be passed through the lens, then they all parallel beams meet at a point, that point is the focus or at the focal plane. But what is that? That we can say all the parallel beams are going to converge at a point, they are meeting at a point or supposed to meet at a point. So converging and diverging, two things we will study. So this is about the converging lens. This is about the converging lens, convergent action of a convex lens. It is a convex lens in short, the general idea. So we can plot the ray. In fact, this is ray A, which is moving over here, and after refraction, it passed through the focus. Just a moment. It passed through a focus, right? This beam again is moving like this. This beam meeting at this point, and after, yeah, its path become like this. So arrow we have to show. These all are the parallel beams
means these are parallel, these are beams which are parallel to the principal axis. ये principal axis हम इसको बोल सकते हैं. So principal axis के, या normally we can say कि parallel beams हैं, तो they will meet at a point that is called the focus after refraction. तो यहाँ refraction हुआ beam का. So all beams converges. So simple way we can say convex lens is also known as converging lens. So we can say convex lens is a converging lens. Convex lens is a converging lens. Next part, divergent action of concave lens. It is a concave lens. Concave lens. In concave, divergent takes place. They diverge the beam. They diverge the beam. So what is our observation? Any beam of light is incident on the surface of this lens. This beam incident at this point. And after that, it diverges through this, like this. Divergent takes place. Here also they get diverges. So divergent takes place. Right? So this is the divergent action of a concave lens. Means all parallel beams which incident on it, they diverges and appear to meet at a point. That point is called focus. Appear to meet, not actually meet. They appear to meet at this point. They appear to meet at this point, and that point is called focus. Okay, so it is the divergent action of convex lens. Next is some technical terms related to a lens. Technical terms, very common terms are there. One is center of curvature. Again, by this diagram I can say कि ये जो lens है, this lens is made up by the two spherical surfaces. These are the two spherical surfaces. So this lens has been made up by one surface is this, another spherical surface is this. This common point between these two is the convex lens. So now this sphere have its center, this sphere also have its center. So these centers C1 and C2 are called the center of curvature. Center of curvature. So what will be definition of center of curvature? The center of sphere, the centers of sphere whose part is the lens surface is called the center of curvature of that surface of the lens. So here center of curvatures are C1 and C2. C1 and C2 are the center of curvature. Next is radius of curvature. Very simple thing. This is the center. तो हमें पता है sphere का जो center है और जो उसका circumference है. Circumference है center के बीच का distance. The distance between circumference and center is called radius. So here this OC2, and for this surface OC1 and OC2 is the radius of curvature of two surfaces of the convex lens. So radius of curvature, the radius of the sphere whose part is the lens surface is called radius of curvature of that surface of the lens. So radius of curvature in this case, for this diagram it is OC1, for this diagram again here for this sphere it is OC1 and OC2, and for this one also for concave lens, concave ke liye bhi ye bhi aise surface se milke bana hai. So ye distance hamara radius of curvature ho gaya, और ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया. सो OC1 एंड OC2 आई मेंशन ओवर हियर. नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? अर्लियर आई वाज मेंशन
कि प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर्स. दिस वे आल्सो वी कैन डिफाइन. और भी तरीके हो सकते हैं कि डिस्टेंस द लाइन ज्वाइनिंग द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर एंड अनदर मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट मे बी कॉल्ड एज वट प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू स्फीयर्स ऑफ द लेंस मीन्स द लाइन ज्वाइनिंग टू द C1 एंड C2 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल सेंटर. वॉट इज द ऑप्टिकल सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर एज वी हैव मेंशन्ड दिस लेंस कॉन्वेक्स लेंस हैव इट सेंटर. दैट सेंटर इज द ऑप्टिकल सेंटर. इन दिस केस फॉर दिस लेंस अगेन दिस पॉइंट सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर. बट हाउ विल डिफाइन? इट इज द पॉइंट ऑफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस such that the ray of light passing through this point emerges parallel to the direction of incidence. Parallel to the direction of incidence. Okay, so that is the optical center. Now we have here two diagrams. One is optical center for thick lens. For thick lens, optical center is here. Means it is not exactly here, but it is here and here. It is about the thick lens. Of course, and for the thin lens, optical center exactly will be at the center of the lenses. That is the convex lens as well as concave lens. Okay, so optical center of a thin lens, we have to discuss about the thin lens. On the principal axis of the lens, such that a ray of light directed towards it, and passes undeviated through it. We have to remember this as a tagline. If a beam of light is passing from the optical center, it will not deviate. It will pass straight way. Okay. Undeviated. So, in this case, we can see as the beam of light is passing through the optical center for the convex lens, it passes undeviated. And about the concave lens also, it passes undeviated if it passes through the optical center. Okay, next is the principal foci. What is the principal foci? Matlab principal focus also we can say. Foci or focus, both the terms are same. Principal foci, if suppose this is the convex lens and we are going to place any object at the focus, so what will happen? This beam will come to this way and refraction will takes place, and refracted ray will be parallel to the principal axis, Now इसी का एक कन्वर्स पार्ट हो सकता है, या हम सिंपली बोले कि अगर कोई पॉइंट है जहां से बीम ऑफ लाइट आ रही है और आने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल रही है, सो दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द फोकस और प्रिंसिपल फोकाई. सो इसके दो दो फोकस होंगे. ऑफ कोर्स क्यों होंगे, कैसे होंगे, आई विल टेल. फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द फर्स्ट फोकल लेंथ अबाउट दिस वन वी आर टॉकिंग F1 ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस. मतलब फर्स्ट फोकस पे अगर यहां से लाइट आ रहा है एंड एज इट रिफ्रैक्टेड फ्रॉम द लेंस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकस. और दूसरा सेकेंड फोकस कब मिलेगा? इफ द बीम ऑफ लाइट, मैं इसी डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूं,
ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी कॉन्वेक्स लेंस देन इट रिफ्रैक्ट एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मीट एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट विल बी सेकेंड फोकस. दिस इज सेकेंड फोकस. इसी का जस्ट कन्वर्स पार्ट है. ओके एंड अबाउट कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस में इफ बीम ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम एनी वेयर इट डाइवर्जेस. इफ इट डाइवर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकल पॉइंट. दैट विल बी फर्स्ट फोकल पॉइंट फॉर द कॉनकेव लेंस. सेकेंड फोकल पॉइंट ऑलरेडी आई मेंशन. क्या हमें याद रखना है कि इफ एनी बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल बीम्स देन दे विल मीट एट अ पॉइंट दैट विल बी फोकल फोकस एंड दैट इज द सेकेंड फोकस और सेकेंड फोकल पॉइंट. सो जस्ट वी कैन कंप्लीट इट. It is the parallel beam which incident and after refraction it meet at a point that point is the focus. It meet at a point that point is called focus. So this is the term. The incident ray or incident beam is parallel to the principal axis. And after refraction, where they meet, that is the second focus. So, second focal point also we can say. So, for a convex lens, the second focal point is a point F2 on the principal axis of the lens such that the rays of incident parallel to the principal axis. Incident rays parallel to the principal axis and after refraction they meet from the lens, pass through it. The point through which they pass, that is called a second focal point. And for a concave lens ke liye kya hoga? Diversion ho jayega. Second focal point is a point F2 on the principal axis of the lens such that the rays of light incident parallel to the principal axis after refraction from the lens appear to diverging from this point. It appear to meet, right? So just we can complete it. This is the incident ray which is parallel to the principal axis and this is incident ray which is parallel to the principal axis and the incident on a concave lens, then they diverges from there and after diversion they appear to meet, that they are coming from a certain point. That point is focus and that is F2. This is the second focal point of a concave lens. Okay, now focal plane. एक होता है फोकस पॉइंट और फोकल पॉइंट और दूसरा होता है फोकल प्लेन. यहां हमने बताया कि अगर पैरेलल बीम स्ट्रिक्टली पैरेलल बीम्स आर गोइंग टू इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द कॉन्वेक्स मिरर देन दे मीट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस. बट अगर ये पैरेलल बीम जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है बट पैरेलल है टू ईच अदर तो देन दे आर कमिंग लाइक दिस वे देन दे विल आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट अ पॉइंट दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड फोकस. एंड हियर इन दिस केस दिस फोकस वॉज हियर एंड दिस इज ऑल्सो द फोकस ऑफ ऑल द इंसिडेंट बीम्स. सो वी कैन से दिस फोकस पॉइंट एग्जिस्टिंग इन दिस प्लेन ऑफ द फोकस इन द प्लेन ऑफ फोकस F2 and this plane is called focal plane. Okay, now we can discuss focal plane.
द फर्स्ट फोकल प्लेन, द प्लेन पासिंग थ्रू, अ प्लेन पासिंग थ्रू द फर्स्ट फोकल पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फर्स्ट फोकल प्लेन. दैट इज द डेफिनेशन पार्ट. सो एज आई मेंशन अबाउट दिस वन, दिस पार्ट ये है, इस पे पैरेलल बीम्स आर गोइंग टू इंसिडेंट एंड दीज बीम्स आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दे आर नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो व्हाट हैपेंस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते तो दे पास थ्रू द फोकस, दे मीट एट द पॉइंट दैट इज कॉल्ड फोकस. बट इफ दीज पैरेलल बीम्स आर गोइंग टू इंसिडेंट, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड दिस पॉइंट, पॉइंट बी इज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग टू द फोकस. सो दिस लाइन ज्वाइनिंग टू द फोकस एंड दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन. सो दिस पॉइंट इज ऑन द फोकल प्लेन. सेम वे इन केस ऑफ, दिस वॉज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, नाउ इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस. कॉनकेव के केस में भी सेम वे, ऑल पैरेलल बीम्स will diverge from here, every beam will diverge from here and they appear to meet at a point that is the focal plane. Actual focus is this one but they meet at this point, so this point is the focal plane. Next is the focal length. Focal length, what is the focal length? Distance between focus and optical center. All distances in lenses will be measured from optical center. Mirror में कहां से measure करते? Pole से. Mirror में pole होता है और lens में optical center होता है. तो all distances every time we will measure from optical center. Okay. So focal length, the distance of focus from the optical center of the lens is called focal length. As I will say, ये focus है, ये optical center है, तो ये distance हमारा क्या हुआ? This is focal length. It is represented by F. In this case, this is optical center, this is focus, so distance between focus and optical center is the focal length. Okay, next part. The focal length of a lens depend on the following two factors. These are the points are very very important for us because exam mein iske upar questions puche jate hain, definitely puche jate hain. So ye points hame yaad rehne chahiye. The focal length of a lens depend on the two following factors. One is the refractive index of the material. मतलब लेंस जो है वो कौन से मटेरियल का बना है उसके ऊपर उसका फोकल लेंथ डिपेंड करेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मटेरियल का, हर मटेरियल का अलग अलग होता है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ तो फोकल्स विल चेंज. सो द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स. वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस रिलेटिव टू द सराउंडिंग मीडियम. Here, this point is very important. If a lens is placed in water, instead of air, its focal length increases. और यहाँ पे हमने बताया कि ये depend करता है किसके ऊपर? Refractive index के ऊपर. As refractive index will increase, focal length will decrease. Okay? So, we can see once again, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, मतलब दूर फोकस होगा, फोकस विल शिफ्ट मतलब दूर चला जाएगा, तो फोकल लेंथ भी उसका चेंज हो जाएगा. सो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सर्फेसेस ऑफ अ लेंस. A thick lens has less focal length and than the thin lens of same material. Of course, बहुत common सी बात है कि हम लोग बात कर रहे हैं focal length की, तो just I will do one thing. ये हमारा एक thin lens है, तो
इसका स्फीयर हम ड्रॉ कर लें और इसका स्फीयर ड्रॉ कर लें, तो इसका अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, सेंटर्स इनके यहाँ हैं, तो हाफ ऑफ द सेंटर इज द फोकल लेंथ, ये पार्ट हो गया, ठीक है। और यही अगर थिक होगा तो स्फीयर का साइज और छोटा होगा, और छोटा होगा तो इनके फोकल लेंथ भी और छोटे होंगे। तो वही लिखा है कि थिक लेंस हैज लेस फोकल लेंथ देन द थिन लेंस ऑफ द सेम मटेरियल। एंड दिस पॉइंट आल्सो वी हैव टू रिमेंबर, इफ अ पार्ट ऑफ लेंस इज कवर्ड इट्स फोकल लेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड। लाइक एनी लेंस इज लाइक दिस, और इतना पार्ट हम लोग कवर कर देते हैं तो भी इसका फोकल लेंथ विल नॉट चेंज, बिकॉज जो भी पैरेलल बीम्स होंगी, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट आई विल टेल, कि वी आर टॉकिंग कि ये लेंस है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट वी गेट कवर्ड, हमने इसको कवर कर दिया, सो रिमेनिंग पार्ट में पैरेलल बीम्स जो भी होंगी दे विल मीट एट द सेम पॉइंट, दैट इज द फोकस। तो फोकल लेंथ इसका विल नॉट चेंज, सो दैट पार्ट इज हियर। If a part of a lens is covered, its focal length remains unchanged, means focal length does not change. Only the amount of light entering the lens decreases, due to which the intensity of image will decrease, because jyada light enter nahi kar payega. But the position, size and nature of the image formed by it do not change. Okay, so this is the This was the theory part of part A, that is the lens and refraction of light through a lens. So we complete A part. Thanks for watching this video.